ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। अगली खबर के लिए आइए चलते हैं जगदलपुर, जहां दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद पुलिस की कार्यवाही से नाराज महिलाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने पत्रकार वार्ता लेकर घटना की जानकारी दी। दरअसल मामला ग्राम नानगुर का है, जहां मानिकपुरी परिवार और उनके पड़ोस में रहने वाले ईसाई परिवार के बीच में जमीन का विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा था, जिसका कि मामला तहसील नानगुर में लंबित है। इस बारे में पीड़ित रागिनी पिल्ले ने जानकारी देते हुए बताया कि विवादित भूमि पर जुताई कर मक्के की बुआई विरोधी पक्ष द्वारा की जा रही थी, जिसका कि विरोध रागिनी पिल्ले द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विरोध करने पर उनके पड़ोसी व उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा रागिनी और उनके रिश्तेदारों के साथ गाली गलौज कर जमकर मारपीट की गई, जिस पर पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर ही झूठा अपराध दर्ज कर लिया और उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। तो अभी हम लोग एसपी ऑफिस गए थे, जो कि वही एक हमारा आस है। और क्या बोलते हैं, तो मेरे को इतना मारे, इतना पीटे, जो कि मैं 3 दिन से मैं हॉस्पिटल, महारानी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरा कोई मतलब सुनवाई नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई नहीं, ना कुछ नहीं हुआ, कोई मेरा सुना नहीं कि मैं हमारे प्रति इतना सब कुछ किए, फिर भी आज उन लोग हमारे प्रति रिपोर्ट दर्ज करके हमको ही दोषी ठहराया जा रहा है। तो मैं मान रही हूँ कि आप इसमें हम लोग गए और वहाँ पर एक आवेदन दिए हैं, जो कि क्या बोलते हैं, तो ना वहाँ मैडम जो मिले वो आवेदन करके, और क्या बोलते हैं, तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो जाने के बाद वहाँ पर मैडम सर नहीं थे, तो वो किस कारणवश नहीं थे, तो हम लोग को वहाँ पर अपना आवेदन छोड़कर आना पड़ा। मैं मात्र इसके सर से अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि हमारा जो हमें जो हमारी जो तकलीफ है, जो हमारी परेशानी है, उसको जानते हुए हमारी जो भी उन लोग हमको मारे पीटे जो भी किए, उसके प्रति थाना प्रभार से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन मैं एसपी सर मैडम से मैं विनती करती हूँ कि हमारा हमारी विनतियों को सुने और हमको जो मारा पीटा है उसके प्रति कार्रवाई को करें। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।